अपनी माँ के प्रति हमेशा समर्पित रहो बेटा, ये माँ है, जो हमारी माँ है इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है, जो सबकी माँ बैठी है और इस माँ में कोई फ़र्क नहीं है, ध्यान रखो, ये केवल शुभेच्छा ही चाहती है। इसको जो चक्कर आ रहे हैं बच्चे को नष्ट कर दीजिए, प्रहार चक्कर की स्मृतियाँ नष्ट कर दीजिए, शुद्धि। और माँ से भी क्षमा मांगना, जो तुमने गलत बातें बोली उसका तुम्हें दंड मिला। है इसको क्षमा किया जाए, दरबार के जो विरुद्ध बोले हैं क्षमा कर दिया जाए, सृष्टि के अंदर लाया जाए क्षमा करके, और इनके पुण्य सक्रिय किए जाए। माँ का श्राप स्तंभित कर दिया जाए, इसके प्राण वापस किए जाए। शिव बांध दिया जाए, शिव लिंग भैर भी खींच के लाई जाए, पूरी पूरी सृष्टि से खींच के लाई जाए, इनसे संबंधित आखिरी अंश तक खींच लिया जाए, लिंग भैरों के साथ साथ इसके सूक्ष्म शरीर भी सब डुबो दिए जाए, दोनों शरीर दोनों रसों डुबो दिए जाए, तीसरे रसों में डुबो दिए जाए, बड़ी कामुकता नष्ट की जाए, हर लड़की बच्ची को देख करके कामुक भाव जो इसके अंदर उठते हैं गंदे गंदे और सब नष्ट किए जाए, कामदेव प्रहार, इसकी बड़ी काम वासना है कामुकता, सब अपने समाहित करें, सड़ी गली कुंडली नष्ट कर दिए, से पाँव खिला दिए, दरबार से नई कुंडली लेकर लगाई जाए, सक्रिय कर दीजिए, प्रहार लिम्फेटिक कैंसर की स्मृतियाँ भी नष्ट कीजिए, जब भी किसी लड़की महिला बच्ची को देखें तो इसके अंदर माँ बहन और बेटी के भाव हैं, क्षमा किया जाए इसको, पुनः अंतिम बार क्षमा किया जाए, विष हटा दिया जाए दरबार से, कुंडलिनी सक्रिय अधोगामी उर्धगामी कर दीजिए, मनुष्यों ने लाया जाए वापस दैत्योनि से, शुद्ध वापस किया जाए इसका मेध, बैलेंस, का जीवन शुद्ध करके वापस चला जाए शरीर पूरा पूरा, अपनी माँ से भी क्षमा मांगो, प्रहार क्षमा किया जाए इसको, पीछे को शरीर निकाल के सब नष्ट करके सब पाँव खिला दिए जाए, जो गंदी हरकतें कराते हैं इससे दरबार से भगाने का प्रयास करती हैं, सब नष्ट किया जाए और गंदी जगह ले जाने की कोशिश करती हैं, प्रहार श्वास उद्दम घुटने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, इसकी प्रहार
ये सभी स्मृतियाँ वापस कीजिए, ला के पूरी सृष्टि सब डाल दीजिए वापस सक्रिय। माँ मस्तिष्क को प्रकृति में ला दीजिए शुद्ध। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय, बैलेंस। दोनों हथेली आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पे रखिए। दरबार छोड़िए, पुणे से जन्म दिया जाए इसको, माँ के गर्भ से बाहर लाया जाए, जन्म देकर बड़ा किया जाए इसको, इसकी शरीर और उम्र के हिसाब से बड़ा कर दिया जाए। बैलेंस। अब अपनी माँ का हाथ पकड़ो, आंखें बंद करो दोनों लोग, बाह्य प्रवेश, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए, सबसे आगे रखिए सदा के लिए। दोनों लोग बोले तीन तीन बार ओम नमः शिवाय। आँख खोली, अपना अपना बंधन खींचिए तीन बार ओम नमः शिवाय। खड़े होइए, स्वयं खड़े हो, अपनी माँ के प्रति हमेशा समर्पित रहो बेटा। ये माँ है जो हमारी माँ है, इसमें फर्क नहीं है, ठीक है, जो सबकी माँ बैठी है और इस माँ में कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखो। ये केवल शुभेच्छा ही चाहती है, इसको जो चक्कर आ रहे हैं बच्चे को नष्ट कर दीजिए, प्रहार चक्कर की स्मृतियाँ नष्ट कर दीजिए। शुद्धि और माँ से भी क्षमा मांगना, जो तुमने गलत बातें बोली उसका तुम्हें दंड मिला है। जब बिलट रहा था तो बोल रहा था, जाने क्या क्या बोल रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था दरबार को कहीं, तो दरबार ने फिर इसको उल्टा भी कर दिया पटक के। अभी छुड़वाया हमने दरबार से इसको, दरबार को कुछ भी बोलो उल्टा सीधा कहें, यही होता है। आपको एक कष्ट नहीं, आपको दरबार अच्छा कर रहा, आपको तो शुभेच्छा मिली हुई है, दरबार का संरक्षण मिला हुआ है। हाँ, कितने कष्टों में तुम आए थे आप जानती हो, क्या कष्ट कैसे बेचारा पागलपन से बाहर निकला है, कैसे नहीं लेके आया था। हाँ, माता को कैसे निकला है बच्चा पागलपन से बाहर आया है। लास्ट ईयर से मैं अभी तक बहुत पीड़ा में रहा हूँ गुरु जी, अभी भी। आप जरा बैठो जमीन में बैठो, हाँ पलथी लगाओ, हाँ आप खड़े हो, आप ठीक, आप बढ़िया, खुश रहो। बाबा माँ से प्रार्थना, अपना एक अर्जी लगाओ। अच्छा गुरुजी, एक बात थी। हाँ, मेरा पुलिस का डीएनए का संकल्प करा देना फिर से, हो बेटा महावन का संकल्प भी करा देना फिर से, करा देना एक बार। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी मेरा पुलिस केस चल रहा है डाइवोर्स का, और डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो 2019 में किया था मैंने, और अभी लास्ट मंथ 2023 को उसमें जजमेंट था, तो उसको निरस्त कर दिया कोर्ट ने, और मेरे पास एविडेंस भी है लड़की के खिलाफ सब चीजें, तब भी निरस्त हो गया केस। डीएनए में दो ही लोग हैं ना आप लोग? नहीं, छह लोग हैं। कौन कौन? बड़े भैया, भाभी, उनके दो बच्चे हैं लड़का लड़की, और मम्मी और मैं। इसीलिए डीएनए ब्रेक कर लो अपना। अच्छा, महावन वाला संकल्प भी दोबारा कर लेना, करा देना बेटा, खुश हो।